हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है माही इन्फो में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की न्यू रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना का जो फॉर्म है मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, शाम के 5:29 हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने 5:30 है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म ओपन किया है। दोस्तों बहुत सारे किसान और पीएम किसान योजना में आवेदन करना चाहते हैं लेकिन उनका फॉर्म ओपन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पीएम किसान योजना का फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम फॉर्म भर लेते हैं पीएम किसान योजना का। मैं एक किसान का ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्म ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर है वो डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, यहाँ पर विलोग और विलेज डालना होगा। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आप लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मर की जो पर्सनल डिटेल होती है वो डालनी होती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले है वो दोस्तों नाम, जेंडर, कैटेगरी और दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मर टाइप, IFSC कोड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर और बैंक का नेम और आपको आधार कार्ड है और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अकाउंट नंबर डालने होंगे और दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर है वो आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वेबसाइट है दोबारा से रिफ्रेश होगी, रिफ्रेश होते ही आपके है वो आधार कार्ड है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट होता है इस वेबसाइट का, अगर यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा आपको। फिर बात करते हैं दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है पीएम किसान योजना में, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मात्र 2 या 3 मिनट लगते हैं इस फॉर्म को भरने में। फिर दोस्तों आपको है वो ज़मीन की नकल डालनी होती है, यानी कि दोस्तों जमाबंदी डालनी होती है। यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर और खाता खसरा संख्या डालनी होगी, आपको अपनी ज़मीन कितनी है वो यहाँ पर हेक्टेयर में डालनी होगी। यहाँ पर डालने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करना होगा, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपका फॉर्म वो पीएम किसान योजना में है वो दोस्तों चला जाएगा। दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के है वो सालाना 6,000 रुपये ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत सारे किसानों कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा तो मैं किस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकता हूँ, तो इसके बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों फॉर्म ओपन करने के लिए यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर है 5:30 फॉर्म ओपन किया है। यहाँ पर अगर आप फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 बजे से पहले है वो आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है, यहाँ पर आप पहले या ट्राई करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आपका या तो कैप्सा कोड रॉन्ग बताएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा था दिस फैसिलिटी इज़ टेम्पररी सस्पेंडेड ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, अभी दोस्तों मैंने ट्राई किया तो यहाँ पर मेरा फॉर्म ओपन हो गया है और मैं यहाँ पर दोस्तों किसान का है वो रजिस्ट्रेशन कर पा रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने है वो पश्चिम बंगाल के किसान को ओपन किया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 6 बजे से पहले ट्राई करोगे तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का और दोस्तों 1-2 जगह और है वहाँ पर भी फॉर्म ओपन हो रहा है। मेरे किसान है वो वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं इसमें, तो बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि हमारा इस टाइम पर है ओपन हो रहा है फॉर्म। तो यहाँ पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अभी आप ट्राई करोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये सभी जगह ओपन नहीं हो रहा है। तो सभी जगह आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, कुछ ही एक से जगह हैं जहाँ पर है वो फॉर्म ओपन हो रहा है और दोस्तों ये 6 बजे से पहले आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको छोटी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।